नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा भगवान विट्ठल की पौराणिक कथा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार पुंडली नाम का एक युवक काशी की यात्रा पर निकल पड़ा था। जब वो जंगल से गुजर रहा था तो वो रास्ता भटक गया। भटके हुए रास्ते पर उसे एक आश्रम दिखा। वो आश्रम था कुक्कुट ऋषि का। आश्रम पहुंचकर पुंडलिक ने महर्षि कुक्कुट से काशी जाने का रास्ता पूछा। तब ऋषि ने बताया कि वे आज तक कभी भी काशी नहीं गए और इसी कारण उन्हें रास्ता नहीं पता है। पुंडलिक ने यह सुनते ही ऋषि का उपहास किया और कहा, किस तरह के ऋषि हो आप जो अपने आप को ऋषि समझते हो और एक बार भी काशी नहीं गए। कुक्कुट ऋषि का उपहास कर पुंडलिक आगे अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। पुंडलिक आश्रम से थोड़ी ही दूर गया था कि उसे कुछ स्त्रियों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने देखा कि आवाज कहां से आ रही है। इधर उधर देखने के बाद पता चला कि आवाज तो उसी आश्रम से आ रही है और आश्रम में तो कोई स्त्री नहीं थी। वो विस्मय से फिर आश्रम की तरफ चल दिया। जब वो आश्रम पहुंचा तो उसने पाया कि तीन औरतें पानी से आश्रम को साफ कर रही थी। जब उसने उससे पूछा तो पता चला कि वो तीन औरतें मां गंगा, माता सरस्वती और मां यमुना है। पुंडलिक आश्चर्य से दंग रह गया कि कैसे ये तीनों उस ऋषि के आश्रम की पवित्रता बनाए हुए हैं, जिसे काशी के दर्शन तो छोड़िए काशी का मार्ग तक पता नहीं है। तब गंगा, यमुना और सरस्वती ने उसे बताया कि पवित्रता और श्रद्धा तो मन में होती है, ये जरूरी नहीं है कि आप पवित्र स्थलों की यात्रा करें या फिर कर्मकांड करें। कुक्कुट ऋषि ने अपने जीवन में पवित्र मन से अपने माँ बाप की सेवा की है और इसी कारण उन्होंने इतना पुण्य अर्जित किया है कि वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पुंडलिक अपने माँ बाप को छोड़कर काशी निकला था। इस बात से उसकी आंखें खुल गई और वो वापस घर पहुंचा और अपने माँ और पिता को लेकर उसने काशी की यात्रा की। इस घटना के बाद पुंडलिक का जैसे जीवन ही बदल गया था। अब उसका जीवन अपने माँ बाप की सेवा में चला जाता था। पुंडलिक की माता पिता भक्ति इतनी असीम थी, एक बार भगवान श्री कृष्ण को भी पुंडलिक के घर जाने का मोह हुआ। भगवान कृष्ण जब पुंडलिक के घर पहुंचे तो पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। अपने घर मेहमान बनकर भगवान आए देखकर उसे काफी खुशी हुई, पर उसका मन थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पास खड़े एक ईंट को भगवान को खड़ा रखने के लिए दिया और अपने माता पिता की सेवा में लीन हो गए। माता पिता की सेवा होने के बाद पुंडलिक भगवान कृष्ण के सामने गया और उसने क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण उसकी मातृ पितृ भक्ति को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। पुंडलिक ने कहा, भगवान मेरे लिए इंतजार करते रहे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। पर भगवान कृष्ण ने आग्रह किया तो पुंडलिक बोले कि आप पृथ्वी पर निवास करें और यहीं रहकर अपने भक्तों पर अपनी छाया बनाए रखें। तब से भगवान कृष्ण उसी ईंट पर पंडरपुर क्षेत्र में खड़े हैं। विठोबा शब्द का अर्थ यही होता है, भगवान जो ईंट पर खड़े हैं। पंडरपुर में स्थित भगवान विट्ठल की मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसे किसी भी मूर्तिकार ने
नहीं तराशा हुआ है और वो अपने अस्तित्व में ही उसी आकार में आई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत।